अगर आप एक कामकाजी महिला हैं और माँ बनने वाली हैं तो मैटरनिटी बेनिफिट्स को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। आइए समझते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, जिसे हाल ही में 2017 में संशोधित किया गया, उसके अंडर क्या प्रावधान हैं और आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। 2017 से पहले जहां 12 हफ्ते की छुट्टियां दी जाती थी, अब 2017 के बाद आपको इस एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर 26 हफ्ते तक की छुट्टियां मिल सकती हैं। ये 26 हफ्ते आप दो हिस्सों में ले सकती हैं, जिसमें से 8 हफ्ते आप डिलीवरी से पहले और 18 हफ्ते डिलीवरी के बाद अवेल कर सकती हैं। अब ये एक्ट किस संस्था पर लागू होता है ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कोई भी संस्था जान लें जो 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करती है और पिछले एक साल में किसी भी वक्त उस संस्था पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रहे हैं, तो उस हर संस्था पर ये कानून लागू होगा। अब हो सकता है आपके मन में ये सवाल हो कि आपने तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को अभी ज्वाइन किया है और अगले एक या दो महीने में आपकी डिलीवरी डेट है, तो क्या फिर भी आप इस कानून का फ़ायदा उठा सकती हैं? जी नहीं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने 80 दिन से कम काम किया है तो कानून आपको इस एक्ट का फ़ायदा उठाना अब अलाउ नहीं करता है। तो अब समझते हैं कि आप इस एक्ट के अंतर्गत या इस कानून के अंतर्गत आवेदन कैसे दें। आप लिखित में आवेदन दे सकती हैं और या अपनी कंपनी की दी हुई किसी पॉलिसी के अंतर्गत उसका प्रोसीजर फॉलो करके आवेदन दे सकती हैं, या कोई फॉर्म है तो वो भर के दे सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर आपने अपनी संस्था को लिखित में इन्फॉर्म नहीं किया है तो आप इस कानून के दिए हुए प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप सरोगेसी के थ्रू माँ बन रही हैं या आप अडॉप्शन के ज़रिए माँ बन रही हैं, तो ऐसे में क्या ये प्रावधान आपके लिए अलग होंगे? जी हाँ, सरोगेसी के थ्रू या अडॉप्शन के थ्रू यदि आप माँ बन रही हैं तो ऐसे में आपको 26 हफ्ते नहीं बल्कि 12 हफ्ते की छुट्टियाँ मिलेंगी। और अडॉप्शन के केस में ये छुट्टी सिर्फ तभी मिल सकती है अगर आपने जिस बच्चे को अडॉप्ट किया है वो 3 महीने से कम आयु का है। हम सब जानते हैं कि आजकल बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने का प्रावधान रखती हैं, तो क्या ऐसे में यदि आप घर से काम कर रही हैं तो क्या आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे या आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी? ऐसा नहीं है। आपकी 26 हफ्ते की छुट्टी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यदि आप घर से काम कर रही हैं तो वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत कवर हो जाएगा। आपको 26 हफ्ते की छुट्टी फिर भी मिलेगी और इन छुट्टियों के बाद अगर आपका काम ऐसा है जो वर्क फ्रॉम होम से हो सकता है तो आप इसके लिए भी अपने एम्प्लॉयर से मांग कर सकती हैं। आइए समझते हैं, अगर मिसकैरेज की सिचुएशन होती है या ट्यूबेक्टमी, जिसे हम आम भाषा में नसबंदी या नलबंदी का प्रोसीजर कहते हैं, ऐसे में इस कानून में क्या प्रावधान है? तो मिसकैरेज में आप 6 हफ्ते तक की छुट्टियां ले सकती हैं या ट्यूबेक्टमी के केस में 1 महीने तक की छुट्टियां ले सकती हैं। बट ऐसे में आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जिसमें कि ये बताया गया हो कि आपका मिसकैरेज हुआ है या ट्यूबेक्टमी का प्रोसीजर करवाया है। अब यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि यदि आप इस कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल करना चाहती हैं और आपका एम्प्लॉयर या आपकी संस्था इस बात की अनुमति नहीं देते या इस दौरान आपकी एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब आपको नौकरी से निकाल देते हैं या फिर आपकी सैलरी कम कर देते हैं या इस तरीके का कोई और बंधन आप पर लगा देते हैं, तो ये कानून की अवहेलना होगी और ऐसे में आप कंप्लेन कर सकती हैं सबसे पहले तो अपने HR से। वहाँ से आपको अगर कोई समाधान ना मिले तो आप एक लीगल नोटिस दे सकती हैं और अगर वहाँ से भी कोई समाधान ना हो तो आप लेबर कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकती हैं। ऐसे केस में लेबर कोर्ट आपके एम्प्लॉयर या आपकी संस्था को 3 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा और 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना कर सकता है। तो यहाँ आपको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप छुट्टियाँ अवेल करने के बाद अपना काम रिज्यूम करती हैं तो उसके बाद आपके ऑफिस की आपके प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था जिसमें 50 से ज़्यादा लोग हैं उसे अपनी एम्प्लॉयज़ को एक क्रच फैसिलिटी अवेलेबल करवानी होगी अपने आसपास के एरिया में, जहाँ पर वो चाहें तो 4 बार तक अपने बच्चे को देखने जा सकती हैं, फीड करवाने जा सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके काम आ रही होगी। अगर इसके अलावा भी आप किसी मुद्दे पे कोई और जानकारी मुझसे लेना चाहती हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जुड़े रहिए BBC हिंदी न्यूज़ से।